कुछ बुद्धिमान फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो बहुत लेमैन होते हैं वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत शातिर लोग हैं वो, बहुत अनुभवी फिलोसोफर्स होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो क्यों? जो बहुत घटनाओं पर चर्चा करते हैं उनमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। घटनाओं का अर्थ है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप कहानियों पर बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया। आप अपनी फैमिली के बारे में अननेसेसरी बात किए जा रहे हैं, किसी ने आपके साथ धोखा दिया, किसी ने साथ आपने अच्छाई किया, ये सब बात, ये सब घटनाएं। जब आप घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ है कहीं न कहीं आप कर्मेंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। आप पांचों कर्मेंद्रियों में, जैसे मुंह, कोई बोलेगा आप उसके बारे में बोल रहे हैं, मुंह, हाथ, पैर, गुदा द्वार, यूरिनल ट्रैक। अब आप सोचो, जो भी व्यक्ति बहुत घटनाओं के बारे में बात करता है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जब वो बोल रहा होता है तो उसके पैर हिल रहे होते हैं, हाथ हिल रहे होते हैं, बहुत जर्की मूवमेंट होता है, साथ साथ उसके गुदा द्वार में बहुत ज्यादा संकुचन होता है, और ज्यादा घटनाओं में कोई और बात करने लगे, खास करके नकारात्मक तौर पर अगर चला गया है और भावनात्मक तौर पर चला गया है, तो बात करते समय उसकी नाभि में भी खिंचाव आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, इसलिए बहुत घटनाओं के बारे में मत बात करो, सिद्धांत और अनुभव के बारे में बात करो, प्रैक्टिस पर काम करो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप अनुभव के बारे में बात कर रहे होते हो, तो आपकी ये कर्मेंद्रियां ढीली होती हैं। इसीलिए जितने भी फिलोसोफर्स थे, अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स देखो, तो वो बात करते समय बहुत घटनाओं पर, बहुत कहानियों पर चर्चा नहीं करेंगे, और उनके हाथों में बहुत मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। वो अपनी घटनाओं में, कहानियों में अनुभव को ज्यादा लाएंगे, स्वयं के अनुभव को लाएंगे, दूसरे के अनुभव को नहीं लाएंगे, क्योंकि दूसरे के अनुभव को लाते ही आपको विजुलाइज अननेसेसरी करना पड़ता है। अब दूसरा क्या सोच रहा है, ध्यान दो। भगवान राम की पत्नी किडनैप हुई, उसके बारे में एक महान कवि लिख रहे हैं। अब भगवान राम रो रहे थे, क्या इमोशंस ला रहे थे, आपको विजुलाइज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, वैचारिक स्तर पर बहुत जा रहे हैं, घटनाओं को छोड़ दिया आपने, तब आपके शरीर में, आपके कर्मेंद्रियों में, आपके ज्ञानेंद्रियों में तनाव नहीं आएगा, आपके नाभि केंद्र पर तनाव नहीं आएगा। जैसे ही आप इमोशनल हरकतें करनी शुरू करते हैं, वैसे ही इस शरीर की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में खिंचाव आना प्रारंभ हो जाता है। आप बोलना अच्छा बोल सकते हैं, आप लिखना भी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन एक घटना, एक कवि घटनाओं पर लिखता है, खुद पे नहीं लिखता, लेकिन वो रिएक्टिव हो जाता है। पर ध्यान दो, बहुत घटनाओं पर चर्चा मत करो, अनुभव पर चर्चा करो, और बहुत ज्ञानात्मक अनुभव पर चर्चा करो, जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो आपकी कॉमन सेंस डेवलप करे। ऐसे घटनाओं पर चर्चा मत करो जो कॉमन सेंस को खत्म करे और ह्यूमर करे, नहीं, ऐसे मत करो। तो इस प्रकार की यदि चर्चाओं पर आप काम करेंगे
तो निश्चित तौर पर आपके मानसिक, आपके आध्यात्मिक विकास में कोई कमी नहीं रहेगी।